हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संभाग संवर्ग तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा एवं जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 2022 है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 29/3/2022 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 20/4/2022। और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि 21/4/2023 तक। और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि 21/4/2022 से 23/4/2022 तक। और विज्ञापन की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 10/5/2022। परीक्षा की तिथि देख सकते हैं 22/मई/2022। परीक्षा केंद्र सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालयों में। परीक्षा का समय देख सकते हैं 10 से 12:15 तक और 2 से 4:15 बजे तक। आवेदन परीक्षा शुल्क देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 350 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये। और आगे यहाँ पर देखें सरगुजा संभाग संवर्ग तृतीय श्रेणी के पद का नाम स्टाफ नर्स के लिए 101 पद, रेडियोग्राफर के लिए 6 पद और नेत्र सहायक अधिकारी के लिए यहाँ पर 67 पद दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 155 पद यहाँ पर आए हुए। आप लोग इसे पॉज करके देख लीजिएगा, मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति जन्म तिथि स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्त के पूर्व किया जाएगा। और इसके बारे में चलिए और देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम। देखें केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हैं। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी का पात्र नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की विधि। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त कीजिएगा। इसे आपको ऑनलाइन भरना होगा। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, वेबसाइट जो है आगे नीचे दिया होगा। और आगे बढ़ते हैं उससे पहले, यहाँ देखते हैं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु। जैसे कि आप लोगों को ऊपर बताया जा चुका है, त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपये शुल्क जमा करना होगा। और यहाँ पर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, प्रवेश पत्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और परीक्षा पद्धति देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिसके 4 विकल्प में से 1 विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीले या काले डॉट पेन से गोला भरना होगा। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। और इसके बारे में चलिए और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा सार का नाम जो है सरगुजा संभाग में इन 5 जिलों में होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दी, इसमें इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।